HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूरोप अपने खूबसूरत साइट सीन और शराब के लिए जाना जाता है। अगर आप लकी हो तो आपको दोनों चीजें एक साथ भी मिल सकती है। यहाँ समंदर में बनाई जाती है शराब। क्रोएशिया अब समंदर के अंदर बनने वाइन का गढ़ बन चुका है। एड्रियाटिक समुद्र में इसे स्थापित कर दिया गया है। क्रोएशिया के ड्रेस में उत्तरी ड्रबोवनिक में एक घंटे तक ड्राइव कर इस स्पेशल वाइनरी एडवोवीना तक पहुंच सकते हैं। दरअसल ये पूरा वाइन बनाने का प्रोसेस पानी के अंदर नहीं होता, बल्कि पीसने का और पैकिंग का बहुत सारा काम जमीन पर होता है। अंगूरों को बोतलों में भरकर उसे वाइन में तब्दील होने में 3 महीने का टाइम लगता है। इसके बाद वाइन को एक अलग तरह की मिट्टी में रखा जाता है, जिसे अम्फोरा कहते हैं। इसके लॉक करके रख दिया जाता है। फिर इन मिट्टी की बोतलें दोहरी रबड़ की परत के साथ भी संरक्षित कर दिया जाता है, क्योंकि इसे खारे पानी से बचा कर रखना पड़ता है। इस वाइनरी में शराब को बनते हुए देखने की प्रक्रिया के लिए एड्रियाटिक सागर में जा सकते हैं। यह प्रक्रिया हजारों सालों पुरानी है, जब प्राचीन यूनानियों ने अपनी शराब एम्फोरा में डाल दी थी। ये तो जाहिर सी बात है कि इतने टाइम तक शराब को संरक्षित करने की वजह से शराब की कीमत थोड़ा सी ज्यादा होता है। इसकी एक बोतल की कीमत 17,500 रुपए है।